भी लग रही होगी ना आप लोग को। कैसे हो ठीक है? अच्छा है आपकी बिटिया हूँ मैं। क्या ठीक है? हाँ अब आती रहूंगी यहाँ पे आती रहूंगी मैं। हाँ मित्रांनो आपली नाव मला कळतील का? हो हो थांबा थांबा हिंदी 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 पिक्चर आहे ना। हिंदी पिक्चर मराठी पिक्चर असे बनवतात पिक्चर बनवतात। नवीन येते पिक्चर पिक्चर नवीन येते शिवराज पुन्हा शिवराज येते मॅडमची बघा शिवराज पिक्चर बनवले काय नाव आहे पिक्चरच पिक्चरचं नाव काय फिल्म का नाम पूछ रहे। कोरोना आया था ना कोरोना मास्क उठाना पड़ा था तो चाइना से आया था सब प्रोडक्ट कोरोना आलेगा ना कोरोना तर सर्वांना असं वाटत होतं की चायना वरून कोरोना आलाय त्याबद्दल त्या संदर्भात पिक्चर बनवत आहे या मॅडम बनवली मी चॅंग चॅंग नाम से बनवत आहे। ऍक्टर कोणी आहे का? नवीन सर्व ऍक्टर नवीन आहे कोणी आहे का? स्टुडिओ मध्ये शूटिंग करते तो वीडियो शूटिंग करती है पिक्चर बनाती पिक्चर बनवते आगा भाई स्टूडियो नहीं बनवली वीडियो बनवली है वीडियो पण पुष्कळ प्रकारचे आलेले आहे। Thank you so much. I'm so grateful to meet you. Most important thing, you all mind it always. Don't try to cheat anyone. Yes. Don't issue. Don't issue. Doesn't matter if you won't get 2 paise for it or any whatever. Because everything is we are doing for sake of money. Am I right? Yes. Absolutely. Paise, 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 डोंट इश्यू एनीबडी ऊपर से इफ यू कुड यू हेल्प टू अदर यू हेल्प उसका प्रेजेंट देने वाला वो ऊपर वी हैव नो अथॉरिटी। एब्सोल्यूट राइट सर माइंड इट वेल ऑलवेज। अभी जो है वातावरण अभी का जस्ट today's atmosphere is so worst that everybody is thinking that no meaning in your life. Yes, कितने तुम बड़े नौकेशा झंझावर तीसरा वो आई थी टाइगर मॉडल एक बहुत बड़ा गाना है उसके ऊपर ओल्ड एज होम में आयुर्व होम में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप मिले हैं लोगों से ओल्ड एज लोगों से मैं देखा हूँ आपकी आंखें भर आई है शब्द नहीं कोशिश कर रही हूँ बोलने की। ये एक ऐसी जगह है जहाँ के ना दुनिया की सारी बातें खत्म हो जाती हैं। इंसान जानते हैं सब मंदिर मस्जिद ऊपर वाले को याद करने के लिए लेकिन हम इंसान डरते नहीं हैं गलत चीज़ों से और इसीलिए इतना पाप हो रहा है इस दुनिया में इतना कुछ हो रहा है। आज जो मैंने असलियत देखी ये यहाँ पे आके और कुछ बुजुर्गों से मिली ओल्ड एज होम है रूपन ओल्ड एज होम जो कि रूपाली जी द्वारा चलाया जा रहा है और बड़ा तकलीफ हुई। इसलिए तकलीफ हुई मैं उन औलादों से पूछना चाहती हूँ कि ऐसी क्या दिक्कत है ऐसी क्या तकलीफ है आपको जिन्होंने जिन माँ बाप ने प्यार पोस के बड़ा किया। एक माँ अपनी शरीर की जब एक बच्चा पैदा होता है तो सारी हड्डियाँ टूटने के बराबर का दर्द होता है वो दर्द सहकर आपको पैदा किया और आप इतने गिर गए और सच में मैं ये बात कहने से नहीं डरती क्योंकि दिल से
दिल से रो रही हूँ उस बात के लिए, ये देख कर कि मतलब ये हालात है हम बुजुर्गों के। अगर आपकी उम्र हो गई, आप अगर कुछ कर नहीं पाएंगे या आपका टाइम हो चुका है, लोग जो औलादों को लगता है या वो कुछ करने लायक नहीं है, तो इसका मतलब आप उनको ऐसे छोड़ देंगे? और आप सब भूल जाते हैं, माँ बाप को आपने नहीं माना तो धिक्कार है आप पे, आप पे धिक्कार है औलाद होने का। और थैंक यू रिफाली जी, आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। मैं हर उन जितने भी ये ओल्ड एज होम चला रहे हैं उनको ऐसे शत शत नमन करती हूँ, हाथ जोड़ के कहती हूँ कि आप लोग सेवियर हैं, आप लोग ने उनको संभाला है इतने प्यार से। मैं ऊपर गई, देखा बहुत अच्छे से रह रहे हैं वो लोग, बड़े मतलब जो भी प्रॉब्लम है शायद अभी मैं इनसे पूछूंगी बात भी। इतना कुछ कहने को है ना कि मैं शायद मैं बात ख़त्म हो जाएगी, सब हो जाएगा, लेकिन मैं अंदर से जो मेरे शब्द आ रहे वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। थैंक यू सो मच। मेरा नाम रूपाली गजाकोश है, मैं रूपन फाउंडेशन की डायरेक्टर हूँ। मैं ये आश्रम पिछले 5 साल से रन कर रही हूँ न्यू पनवेल में, और काफ़ी बुज़ुर्गों को मैंने सेवा दिया है ये 5 साल में, लेडीज़ जेंट्स काफ़ी टाइप के अपने पास में पेशेंट्स हैं जो चल फिर सकते हैं, जो चल फिर नहीं भी सकते हैं। तो इरम मैम ने काफ़ी अच्छा डोनेशन दिया है हमें, जिसमें डाइपर्स जो हमें मेन और बेसिक रिक्वायरमेंट होती है आश्रम में, डाइपर्स की, कॉटन रोल, डस्टिंग पाउडर, ये सब, और मेडिसिन की मेजरली, तो ये सब इरम मैम ने दिया है। एंड थैंक यू सो मच मैम, मैम की पूरी टीम आई है आश्रम में विजिट करने के लिए, मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। लोग हैं यहाँ कितने? देखिए, अपने 2 आश्रम हैं टोटल सेक्टर 6 में। ये आश्रम में कुल मिला के 14 लोग हैं और दूसरे आश्रम में कुल मिला के 30 के ऊपर लोग हैं। तो इसमें महिला और जी दोनों आश्रम में महिला पुरुष दोनों है। वो आश्रम में थोड़ा ज्यादा महिला का स्ट्रेंथ है और ये आश्रम में पुरुष का जरा ज्यादा स्ट्रेंथ है। अधिकतर लोग मतलब छोड़ने आते, किस तरह से आते हैं? तो देखिए, पुलिस रेस्क्यू टीम से भी आते हैं काफ़ी लोग खुद से भी आते हैं, या तो उनके पड़ोसी या फिर उनके रिलेटिव्स है, दूर के रिलेटिव्स, वो छोड़ने आते हैं, या तो कभी बच्चे भी छोड़ने आते हैं उनके। तो काफ़ी अलग अलग केसेस होते हैं, सिचुएशंस काफ़ी अलग अलग है इस चीज़ों में, कुछ प्रॉपर्टी मैटर्स की वजह से भी है, तो बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स है जो फेस कर रहे हैं लोग। मेजरली क्या मेन ये देखिए, मतलब देखिए, एक डॉटर इन लॉ आती है जब, तो वो एक मेजर कंसर्न होता है कि फिर उनका जमता नहीं है, इसके लिए फिर माँ बाप बोझ हो जाते हैं। बोझ हो गए, छोड़ दो उनको, प्रॉपर्टी एक बार मिल गया तो फिर उनके लिए वो एक अभी एक हेडेक हो गया है। तो ऐसे बहुत अलग अलग टाइप है। फिर बाद में घर पे वॉयलेंस होता है, जमता नहीं है बच्चों का मम्मी पापा से, क्योंकि एज डिफरेंस होता है, तो मेंटालिटी में भी काफ़ी डिफरेंस होती है, न्यू मॉडर्न मेंटालिटी और पुरानी मेंटालिटी में नहीं हो पाता है, एक बीच का रास्ता नहीं निकलता है। तो तभी पुलिस की रेस्क्यू टीम है, जो लेडीज़ रेस्क्यू टीम, तो वो लोग रेस्क्यू करवाते हैं फैमिली मेंबर्स से, ऐसे एल्डर्स लोगों को। कभी वायलेंस जैसा आपने कोई केस देखा है यहाँ पर? वायलेंस काफ़ी केसेस है ऐसे, वायलेंस के काफ़ी केसेस। वायलेंस, यस ऑफ कोर्स, वायलेंस के काफ़ी केसेस है। अभी ऐसा है मैम कि आते हैं उनके बच्चे, महीने में एक बार आएंगे, तो बस प्रॉपर्टी पे पेपर पे साइन लेना है या फिर स्टैंप लेना है बस उसके लिए, एंड दे वो। देखिए कैसा हुआ था, मेरे ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर के, हम दोनों बहुत क्लोज थे, मैं ग्रैंड मदर से, ग्रैंड फादर से। जब ही मेरी ग्रैंड मदर पास आउट हो गई, तो वो एक बहुत दुख था कि उनको है ना सेवा नहीं मिल पाई वो टाइप की, क्योंकि वो गांव में थे ऐसा। तो फिर उनको मुंबई लाते लाते शी वॉज लाइक नो मोर, तो मुझे बहुत वो चीज़ का बुरा लगा। और मैं बचपन से उनके साथ ही पली बड़ी हूँ, मेरी मम्मी से ज़्यादा मैं क्लोज मेरी ग्रैंड मदर से थी। तो जब भी मेरी ग्रैंड मदर का डेथ हो गया, उसके 1 साल के बाद मैंने आश्रम में पली किया। मैडम आइए यहाँ पे, अभी क्या क्या मैं मैम से पहले भी मिल चुकी हूँ, इरम मैम से, लाइफ हैंड्स फाउंडेशन का जब इवेंट हो रहा था, मैं तभी भी मिली थी मैम से, देखी थी मैम को। मतलब इतने बड़े दिग्गज जब आते हैं हमारे पास में, ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कोई आया है, बहुत अच्छा लग रहा है दिल से कि मैम इतनी डाउन टू अर्थ, इतना सोचे मैम ने और इतना लेके आए। देखिए मैम, आप एक फ़ोन पे, आप कभी भी, आप कुछ भी रहेगा ना मैम, एक फ़ोन पे आप मुझे कभी भी आप डिस्टर्ब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और थैंक यू सो मच, मतलब मैं शब्दों से बयान नहीं कर पा रही हूँ कि आप मतलब एक कितना हेल्प दिए है करके। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक प्रॉमिस चाहिए कि आप जो
केयर कर रहे हैं लोग आप बिल्कुल यस एंड ऑफ माय लाइफ तक ये चीज चलता रहेगा जब तक मेरे जितने दिल में जाने तब तक मैं ये काम करती रहूंगी डे में अभी तक हस्बैंड वाइफ इसका होता है अभी इन्होंने एक नया कहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस घर में माँ बाप के साथ में भी होता है और आप डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो चुकी है तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे जरा बताइए। बिल्कुल मैं तो इस उस परिस्थिति में थी कि मेरा निकलना ही मुश्किल था और बट मेरे अंदर की जो आत्मशक्ति थी वो कभी मरी नहीं थी और मैंने विश्वास ऊपर वाले पे छोड़ा नहीं था तो उस ताकत से मैं बाहर निकल के आई। प्रॉब्लम से आज भी लड़ रही हूँ लेकिन हाँ एक बात ठान ली कि जब तक जीऊँगी लोगों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करती रहूंगी क्योंकि उसी ताकत ने मुझे जिंदा रखा है और आज यहाँ पे आने के बाद ये सच्चाई और दिख गई मुझे कि मैं चाहती हूँ, मैं सरकार से कहती हूँ, मैं गवर्नमेंट से कहती हूँ हाथ जोड़ के कि कुछ ऐसा कानून बनाए कि ये जो प्रॉपर्टी का इश्यू है और इतने मेहनत से माँ बाप हमारे प्रॉपर्टी घराना बनाते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, उनका भविष्य देखते हैं, आपके दिल में कैसे आप कहाँ से ऐसा आता है आपके दिल में कि आप उनको घर से निकाल देते हैं? इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। मैंने जो आज देखी है शायद मुझे बहुत टाइम लगेगा कि मैंने जो रियलिटी देखी है मैं बहुत दिल से अंदर से भावुक हूँ। बहुत ज़्यादा आज से जो आप इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं ओल्ड एज केयर इनिशिएटिव प्रोग्राम जी, तो इसको आप कहाँ तक लेके जाओगे, इसका आपका आगे के प्लान्स क्या है? मैं चाहती हूँ ये ओल्ड केयर इनिशिएटिव जो मैंने लिया है, पहले भी मैंने 3 इनिशिएटिव्स लिए हुए थे, ये मेरा 4th इनिशिएटिव है और मैं इसको लेके सरकार तक जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारी सरकार इस चीज़ को बहुत सीरियसली समझे कि जब माँ बाप के दिए संस्कार को जब लोग भूल जाते हैं तो इससे ज़्यादा हमारी जो यूथ आ रही है वो आगे क्या करेगी, तो ये बताना ज़रूरी है, ऐसा कोई कानून लाया जाए। और मैं ये चाहती हूँ, मैं इनिशिएटिव यही इसलिए लिए कि ऐसा कोई कानून बनाया जाए कि इन लोगों को ऐसी तकलीफ तो कम से कम ना हो और ऐसे ओल्ड एज होम और बनाए जाए जिस तरीके का रूपाली जी कार्य कर रहे हैं। जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है इन लोगों के साथ में उसको उसके बारे में आपको क्या फील है? बिल्कुल बहुत ही बुरी बात है और इससे बुरा क्या होगा कि माँ बाप को मारना या माँ बाप से बदतमीजी करना, गाली गलौज करना वायलेंस में आता है। और जो बहुएं स्पेशली उनके लिए बोलूंगी, जो बहुएं अपने सास ससुर को घर से निकाल देती हैं, आपके दिल में होता कैसे, आप भी तो किसी की बेटी हैं। तो ये मैं यही सरकार फिर से मैं वही बोलूंगी, सरकार कुछ ऐसा नियम बनाए कि ये इस तरीके के ना जितने भी क्राइम हैं कम हों। नहीं, कानून तो अपना काम कर ही रहा है और कानून स्टिक भी बना हुआ है, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल एक घर में वायलेंस होता है तो उसके आजू पड़ोसी वाले आते ही नहीं है आगे उनको हेल्प करने के लिए, तो उनके बारे में वो क्या कहना है? ऐसे लोगों को खुद हिम्मत के आना चाहिए कि आपके जो बाजू में हो रहा है होना नहीं चाहिए, ये जो समाज के लोग हैं इनका भी काम होता है कि ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करें, उसके बारे में कुछ कहिए। आप लोग क्या चाहते हैं कि आपके घर में कुछ होगा तभी आप आगे बढ़कर आएंगे? मेरे साथ गलत हुआ था, मैं पहले भी लोगों के लिए खड़ी थी और गलत होने के बाद भी मेरे साथ जो वो मैं आज भी लोगों के साथ खड़ी हूँ, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ आप लोगों से कि आपके घर में अगर कुछ होगा तब क्या आप किसी की मदद करेंगे? आप घर से निकलिए, आपको दिखता है किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा गलत होता है सबसे पहले जाके रिपोर्ट करिए और स्टैंड लेना सीखिए। थैंक यू सो मच। ओके, डन।